शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से तमाम बड़े आरोपियों को राहत मिल चुकी है। शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी की गति पर ब्रेक लगाने का काम किया है, लेकिन अब जब आपके तमाम बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं तो आप समर्थकों को उम्मीद होगी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी फिर से उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होना बेहद मुश्किल लग रहा है। केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया भले ही फिलहाल जेल से बाहर है, लेकिन यह सिर्फ 4 दिन की चांदनी लग रही है। ईडी इस केस में फिर एंट्री मारने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईडी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और शराब घोटाला केस में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने वाली है। ईडी आप नेताओं के खिलाफ अभी तक कुल 9 चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जिनमें से 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। अब ईडी एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है और नेताओं को पूछताछ के लिए कस्टडी में ले सकती है। ईडी के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हमें पता है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बेगुनाह नहीं हैं। आबकारी नीति का जिस तरह सौदा हुआ, इससे बड़ा घोटाला सामने आया है। आपने इस पॉलिसी से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। हमारे पास उनके खिलाफ कई ठोस सबूत भी है। आपने बड़ी चालाकी से उन पैसों को राजनीतिक फंडी में बदल दिया, ईडी अधिकारी ने कहा। हम इस केस में जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा, कोर्ट से भले ही आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन ट्रायल अभी जारी है। इससे साफ है कि आपकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं को जेल से राहत मिली है, उन्हें सिर्फ जमानत मिली है, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया है। ऐसे में उन्हें वापस से जेल जाना पड़ सकता है। शराब घोटाला केस अभी तक रफा दफा नहीं हुआ, अभी इसका ट्रायल चल रहा है। यही कारण है कि नेताओं को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी जा रही है। बीते दिन अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, लेकिन यहां पर कई शर्तें रखी जिसका पालन सीएम को करना होगा। लेकिन जांच एजेंसी ईडी अभी तक हार नहीं मानी है और फिर से नए तरीके से सामने आने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से देश की राजनीति में हलचल मच गई है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही। इस बयान के बाद बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है, ताकि वे अपने विधायकों को सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। पूनावाला ने एक्स पर लिखा, यह लालू राबड़ी और सोनिया मनमोहन मॉडल की तरह है, जहां पूरी शक्ति तो चाहिए लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल ने आपदा में अवसर तलाशने में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का इस्तीफा महज एक नाटक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति घोटाले में बरी नहीं किया, बल्कि सशर्त जमानत दी है। पूनावाला के मुताबिक केजरीवाल इस समय नाम मात्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस स्थिति में खुद को उभारने के लिए यह चाल चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।